वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे वजू खाने में लगा फव्वारा बता रहे हैं। स्थानीय अदालत के आदेश के बाद से उस जगह को सील कर दिया गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानव्यापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं। स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी की कमी है, लेकिन दावों और किस्सों की भरमार जरूर है। आज मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई थी, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने और समझने पर मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल दिखता है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि कुछ इतिहासकारों का क्या है मानना। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्के सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तुड़वा दिया था, लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार भी करते हैं। ये दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। न तो शर्के सुल्तानों की ओर से कराए गए किसी निर्माण के कोई साक्ष्य मिलते हैं और न ही उनके दौर में मंदिर तोड़े जाने के साक्ष्य मिलते हैं। जहाँ तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है, तो इसका श्रेय अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडलमर को दिया जाता है। उन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से इसका निर्माण कराया था। दरअसल वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के निर्माण और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने संबंधी औरंगजेब के आदेश को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज से ये बातें प्रमाणित नहीं होती। 1991 में वाराणसी की एक निचली अदालत ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। यह आदेश उन याचिकाओं पर दिए गए थे जो साल 1991 में दायर की गई थी और उसी साल संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया था। 18 सितंबर 1991 में बने इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता था, और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चूंकि अयोध्या से जुड़ा मुकदमा आजादी के पहले से अदालत में लंबित था, इसलिए अयोध्या मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर मस्जिद को लेकर कई बार विवाद हुए हैं, लेकिन ये विवाद आजादी के पहले से हैं, इसके बाद के नहीं। ज्यादातर विवाद मस्जिद परिसर के बाहर मंदिर के इलाके में नमाज पढ़ने को लेकर हुए थे। सबसे अहम विवाद साल 1809 में हुआ था, जिसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। साल 1991 में सर्वेक्षण के लिए अदालत में एक याचिका दायर हुई थी। इस मुकदमे के दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अलाहाबाद कोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था, लेकिन स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और इस सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी गई। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।